हाय गाइस, सजमा किचन में आपका स्वागत है। आज सजमा किचन में दिवाली स्पेशल शक्कर पारे बना के बता रहे हैं, जो बाजार मार्केट में मिलते हैं एकदम खस्ता। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, हमने एक कटोरी शक्कर ली है, एक कटोरी पानी और एक कटोरी घी और ये इलायची। अब सबसे पहले पैन में डालेंगे हम पानी, फिर डालेंगे हम घी, फिर डालेंगे हम चीनी। और चीनी में ना ही हम कुछ कोई चाशनी लेना कुछ, बस इस शक्कर घुल जाए इतना वो करेंगे बस। देखिए चीनी हमारी अच्छे से घुल गई है, अब इसको हम ठंडा करेंगे जब तक मैदा छान लेते हैं। और देखिए हमारा घी, पानी, चीनी सब एक क्वांटिटी में था, तो हमारा शक्कर पारा जो रहेगा वो एकदम खस्ता। हमारी चाशनी थी वो अच्छे से ठंडी हो गई, अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैदा डालेंगे। और मैदा हम कम से कम हमारा 500 ग्राम इतना मैदा लगेगा इसमें, बस थोड़ा थोड़ा करके मिलाते रहेंगे। हमारा इतना नरम सॉफ्ट लगा और हमको इसको कोई मुक्की वगैरह नहीं मारना है। देखिए मुक्की मारेंगे तो हमारी जो लहर रहेगी ना वो ख़त्म हो जाएगी, तो हमें सिर्फ ऐसे ही इसको जोड़ना है और इसको इस तरीके से 5 मिनट रेस्ट करने देंगे। देखिए इसको अब हमको कोई लोई को बेल दबाना नहीं है, बस इसकी लहर बरकरार रहे इसकी वजह से, बस ऐसे ही बांका तिरछा लोई बना के इसको बेलना है ताकि इसकी लहर हमको पूरी खुल के आए। और इसको अच्छे से पतला बेल लेंगे, ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा मोटा भी नहीं। ये देखिए इतना मोटा चाहिए बस हमको, इससे ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे। अब हम इसको चाकू की मदद से बारी बारी हम काटेंगे। ये देखिए इस तरीके से काट लिए, और जो बाकी साइड के हैं ये बारीक बारीक ये हम हटा देंगे और इसको दूसरी लोई में लगा लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से लहर आई है, देखिए फ्राई करने पे बाद में देखिए। और अभी इसको लो फ्लेम पे पूरे क्रिस्पी होने देंगे हम, अच्छे से पूरा गोल्डन कलर आ जाएगा तो और अच्छा लगेगा। ये देखिए इस तरीके से हम इतने गोल्डन हो जाएंगे जब हम इसको निकाल लेंगे पूरे। इसी तरह से हम सारे शक्कर पारे को फ्राई कर लेते हैं। कितने कुरकुरे बने हैं, देखिए इसकी आवाज़, देखिए कितना क्रिस्पी और कितना कुरकुरापन आया है इसमें। इस तरीके से आप भी शक्कर पारे बनाइए और देखिए इसकी लहर, देखिए लहर, देखिए एक एक लहर अलग हो रही है। और तोड़ के भी आपको एक हम दिखाते हैं, देखिए कितना क्रिस्पी है। तो इस दिवाली पे आप भी हमारी तरह से एक शक्कर पारे बना के अपने मेहमानों को खिलाइए और कमेंट में लिख के बताइए कि हमारे शक्कर पारे की रेसिपी कैसी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।